नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के भोजपुर के आरा में माउंट लिटराजी विद्यालय का वार्षिक उत्सव, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। खबर, बिहार के भोजपुर के आरा में स्थानीय माउंट लिटराजी विद्यालय बामपाली आरा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आज विद्यालय के प्रांगण में विद्यालय के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्रार्थना से हुई, तत्पश्चात मुख्य अतिथि पद्मश्री आनंद कुमार संस्थापक सुपर 30, दूसरे अन्य अतिथि डॉक्टर अमित कुमार जैन IPS ADG ऑफ पुलिस, बिहार विद्यालय निदेशक श्रेयांश जैन, उपाध्यक्षा श्रीमती सुचिता जैन, प्राचार्य देवसी एम इत्यादि द्वारा विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय ज्ञानचंद्र जैन और शशि लता के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बच्चों ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान प्रस्तुत किया। विद्यालय निदेशक और प्राचार्य द्वारा सभी अतिथियों को शाल, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पद्मश्री आनंद कुमार ने इस अवसर पर अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि कभी भी अपने बच्चों को कम अंकों के लिए ना डांटे फटकारे, बल्कि मनोबल को बढ़ाए रखें, उनके अंदर छुपी दूसरी खूबियों को जानने का प्रयास करें। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य, संगीत, नाटक तथा योग पर रंगारंग प्रस्तुति दी गई। ADG डॉक्टर अमित कुमार जैन ने बच्चों की प्रस्तुति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक ऐसा कार्यक्रम होता है जहां बच्चों को अपनी प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर मिलता है, साथ ही साथ उनके सर्वांगीण विकास का पता चलता है। प्राचार्य ने विद्यालय का वार्षिक ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों का अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय के तीनों शाखाओं की प्रधानाध्यापिकाएं, विद्यालय के उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, जीलन के वरीय अधिकारीगण, शिक्षक गण, अभिभावक गण और बच्चे भी मौजूद थे। कार्यक्रम का शीर्षक था वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम के शुरुआत में विषय पर प्रकाश डालते हुए गणपति वंदना कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया तथा मुख्य अतिथि द्वारा विद्यालय पत्रिका का विमोचन किया गया। विद्यालय की तरफ से पढ़ाई, खेलकूद तथा दूसरे क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही विद्यालय के चारों शाखाओं के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी विद्यालय में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने अपने नाटक द्वारा पूरी धरा एक परिवार है के महत्व को बताते हुए वर्तमान समय में समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रकाश डाला तथा लोगों को मिलजुल कर रहने की सीख दी। इंडिया न्यूज 28 के लिए भोजपुर जिला संवाददाता विजय शंकर ओझा की रिपोर्ट। क्या कहेंगे बच्चों को? आरा के बच्चों में बहुत उत्साह है और बहुत बार आरा से बच्चे आए, बहुत गरीबी से लड़ते हुए संघर्ष करते हुए हमारे पास आए सुपर 30 में, और आज IIT के मकाम तक पहुंचने के बाद अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। ये बात मुझे बहुत प्रेरित करती थी कि एक बार आरा जरूर जाके बच्चों से मिलना चाहिए। यहाँ के बच्चों को प्रतिभा देख के, उनके टैलेंट को देख के, उनके परफॉर्मेंस को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, और जैन साहब को और जी स्कूल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा काफ़ी अच्छे तरीके से कर। सर, आज तो सुपर 30 के बच्चों को भी ये करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, खासकर एजुकेशन में ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो गरीब हैं। हम अभी स्कूल के जो मैनेजमेंट कमेटी, उनसे बात की है कि आने वाले भविष्य में अगले साल से ऐसे बच्चों को जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन मेरिट है, उनको जरूर आप फ्री में पढ़ाएं, और बहुत खुशी की बात है ये लोग इस बात के लिए तैयार भी।